मथुरा में वसंत पंचमी पर राधा श्याम सुंदर मंदिर बनता है गवाह। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन के सप्त देवालयों में राधा श्याम सुंदर मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो वसंत पंचमी पर राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो व्याह का गवाह बन जाता है। इस बार यह उत्सव 30 जनवरी को होगा। ब्रज के अलावा किसी अन्य मंदिर में ऐसा संयोग नहीं बनता है कि जिस दिन मंदिर के राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रह का प्राकट्य हो। समय के अंतराल पर उसी दिन राधा श्याम सुंदर का विवाह हो तथा समय के अंतराल में उसी दिन सिंहासनारूढ़ महोत्सव का आयोजन हो जाए। पर ब्रज तो श्यामा श्यामक हृदय है, तभी तो जहां देश के अन्य भागों में श्री कृष्ण कोटि कोटि लोगों के मात्र आराध्य देव हैं, वहीं ब्रजवासियों के वे सखा लल्ला आदि के रूप में हैं। इसलिए ब्रज में श्यामा श्याम के ऐसे उत्सव भी होते हैं जिनका पौराणिक दृष्टांत भले न मिले किंतु जो ब्रज की अमूल्य निधि बन चुके हैं। इन्हीं में राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन के उक्त 3 उत्सव हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन के सेवायत आचार्य कृष्ण गोपालानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा कि राधा रानी के हृदय में नित्य विराजमान श्याम सुंदर ने सन 1578 की वसंत पंचमी को राधा रानी के हृदय कमल से प्रकट होकर श्यामानंद प्रभु की प्रेम सेवा को स्वीकार किया था। सन 1580 को स्वयं राधा रानी भरतपुर के तत्कालीन महाराजा के रत्न भंडार में स्वयं प्रकट होकर उसी वर्ष वसंत पंचमी के दिन श्री श्याम सुंदर जी के साथ शुभ विवाह बंधन में बंध गई थी। इस दिन मंदिर का पर्यावरण न केवल वासंती बन जाता है बल्कि मुख्य श्री विग्रह के श्रृंगार से लेकर प्रसाद तक वासंती रंग का ही होता है। इसकी पृष्ठभूमि में श्यामा श्याम की रासलीला की एक घटना है। मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने बताया कि श्री कृष्ण को अधिकतम आनंद देने के लिए एक रात राधा रानी ने निधिवन में तीव्र गति से जब नृत्य किया तो वे नृत्य लीला में इतनी निमग्न हुई कि उनके बाएं चरण से उनका इंद्र नीलमणियों से जड़ित मंज घोष नामक नूपुर टूट कर रासस्थली में गिर पड़ा, पर उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। 30 जनवरी को वसंत पंचमी पर ठाकुर जी की सवारी प्रातः 9 बजे वृंदावन नगर संकीर्तन पर निकलेगी, जिसमें सप्त देवालयों के गोस्वामी गण, प्रभुपाद गण, महंत गण, भक्ति वेदांत स्वामी के भक्त गण समेत विभिन्न धार्मिक आचार्य भाग लेंगे। शाम 4 बजे प्राकट्य उत्सव होगा, जिसके तहत फूल बंगला एवं अनूठा छप्पन भोग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दिन मंदिर प्रांगण आध्यात्मिक पर्यावरण से परिपूर्ण हो जाता है और जनश्रुति के अनुसार इस दिन युगल विग्रह के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए तीर्थयात्री मंदिर की ओर चुंबक की ओर खींचे चले आते हैं।